सबसे पहले अवनी कांग्रेचुलेशंस, जिस हिसाब से आप फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं और ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है. ऑफ कोर्स आप मोदी जी की बेटी है, लेकिन मोदी जी बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश के, और क्योंकि फिल्म उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इतनी बड़ी शख्सियत है तो कहीं ना कहीं एक तरह का यू नो सेंटिमेंट्स को हर्ट होने की भी चांसेस होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है, तो कहीं इसका भी कोई डर है, या फिर या इसी को ही आप एक कहते हैं कि मजबूती के साथ लेकर आगे चलने वाली फिल्म को? सर ये जब मैंने ये फिल्म लिखी, ये कॉन्सेप्ट जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने एडी सर के साथ सबसे पहले यही इशू डिस्कस किया था कि दिस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, इसको बहुत ही हैंडल विद केयर हमें लेके चलना पड़ेगा. और रहा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं खुद मोदी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इमेज है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत पहले से है. और हम बहुत हर एक गुजराती और हर एक मोदी समाज का हर एक इंसान बहुत प्राउड करता है मोदी जी के ऊपर, और वो हमेशा रहेगा उनके ऊपर. तो जब मैं खुद इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ, तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट इस फिल्म के ज़रिए हो नहीं सकता कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की इमेज को नुकसान हो. बल्कि बहुत प्राउड से, बहुत स्ट्रांगली मैं मैसेज दुनिया को देना चाहती हूँ कि देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी थी, है और हमेशा रहेगी. अरे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म में तो चलिए कॉमेडी के साथ आप सारी बातें बता रहे हैं, मोदी जी की बहुत सारी यू नो कहेंगे कि उनके बातें भी है, और क्या उसको भी आपने दिखाने की कोशिश की है फिल्म के अंदर? ये तो फिल्म देखने पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो आप आज ट्रेलर देख के पूछ रहे हैं. देखिए, एक अच्छी फिल्म बनाई है वो मैं कहूँगा तो नहीं है, आप लोग बोलें वो अच्छा रहेगा. बाकी हाँ, मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज के मुद्दे हैं, इस देश के मुद्दे हैं, वो मुद्दे मोदी जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस देश के लिए जागृत किए. वंस दे हैव कम अप टुडे, सेम थिंग्स इन रेफरेंस एट सर्टेन प्लेसेस यू मे फाइंड, बट दैट इज नॉट टू बी मिस्टेकन. आई वुड जस्ट से दिस इज नॉट टू बी मिस्टेकन एज अ पॉलिटिकल फिल्म. इट्स अ टोटल फन फिल्म, इट्स अ टोटल जॉय राइड. और मेरी कोशिश ये रही है कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे सकूँ समाज को. हम लोग बहुत स्ट्रेस से गुजरे हैं कुछ पिछले सालों में, वो स्ट्रेस रिलीफ, वो बस्टर चाहिए सबको, तो शायद ये फिल्म काफ़ी लोगों के लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने वाली है. शायद अब आप लोगों को इस फिल्म को देखने के बाद आपको पैरासिटामोल ना खाना पड़े. तो ये मंशा भी होगी कि ये फिल्म मोदी जी तक ना पहुंचे, और आप लोगों ने भी सोचा होगा कि यू नो यू मस्ट हैव ट्राइड कि ये फिल्म उनको दिखाई जाए या कुछ इस तरह के कोई प्लान्स तो होंगे शायद. हम बिल्कुल चाहेंगे और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये फिल्म पहुंचाए, और मैं तो चाहूंगी पूरी मीडिया हमें इसके अंदर सपोर्ट करे. तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें उनको दिखाना चाहते हैं, बट देयर इज अ प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट. अरे आप लोग शोर मचाओ ना तो फिर अपने आप पहुंच जाएगी, फिर वहां से हमें बुलाएंगे कि दिखाओ ये फिल्म, तभी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें. सर क्या है ना, पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने बहुत लोगों को ये फिल्म दिखाई है, और बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों को ये फिल्म के बारे में पता है बेसिकली. तो जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो ये तो है कि अभी इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है, तो हर कोई कहीं ना कहीं तो उनके साथ जुड़ा ही है ना, तो हमने जिनको दिखाई ना वो सब इनडायरेक्टली तो उन्हीं के साथ है.
अवनी जी, हाँ जी सर, सेंसर भी हो चुकी है। अवनी जी यहाँ हाथ ऊपर है मेरा। थैंक यू। सिराज सैयद नाम है मेरा, filmfestivals.com की तरफ से। माय प्लेजर। मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि आपने ये फिल्म लिखी कैसे, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, थिएटर भी किया है, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें आप किसी से प्रेरित हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ राइटर्स ने, या फिर आपने कुछ किताबें पढ़ी या फिर किसी से गाइडेंस लिया, क्योंकि ये बैठे बैठे अचानक तो नहीं आ जाती कला? नहीं आता है सर। मैं ये क्या था ना, ये एक खूबसूरत हादसा हुआ है मेरे साथ, मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो कितना है वो तो लोग देखने के बाद बताएंगे, बट जो भी मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ, उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं एडी सर को देना चाहूँगी। बिकॉज सबसे पहले ये फिल्म लिखने के लिए मैंने ना बोल दिया था, एक कॉन्सेप्ट आया था जो मैंने इनके साथ शेयर किया, नहीं सर कि लिखवाने के लिए किसी राइटर को हायर कर दो, मैं नहीं लिख पाऊँगी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवाए, बट देन ही वॉज नॉट हैप्पी एंड देन ही फोर्स्ड मी कि तूने सोचा है ये कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू कैन गिव जस्टिस टू द स्क्रिप्ट। एंड आई बी प्रोबेबली द फर्स्ट राइटर कि जिसने लिखते लिखते सीखा है या सीखते सीखते लिखा है कह दो, यू नो। सो ही हैज़ बीन द ही हैज़ पुश्ड मी अ लॉट टू राइट दिस एंड ही हैज़ एक्चुअली टर्न मी अ राइटर। मुझे एक्टर बनाने के लिए तो बहुत लोगों ने मेहनत की, राइटर बनाने के लिए एकमात्र इनके कंधे पे जिम्मेदारी थी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी अपनी मेहनत है। yes. हम लोग खुद एक बहुत क्रिएटिव है, कई लोगों को हमारे अंदर का टैलेंट नहीं पता होता है। तो इन्होंने जब ये सब्जेक्ट मुझे सुनाया था, आई वॉज कन्विंस्ड कि दिस इज द सब्जेक्ट फॉर विच आई शुड डू माई डेब्यू, एंड दिस वॉज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट फॉर बोथ ऑफ अस टू वर्क ऑन इट, दैट्स एन ऑनर फॉर मी। सो जब एक्सपेरिमेंट की जो इन्होंने बात की, तो वो इन्होंने जो सब्जेक्ट सुनाया, तो मैंने तो पहले दिन बोला था कि अवनी तुमको ही ये लिखना चाहिए, और हमने कई राइटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उस पर पैसा भी बहुत खर्च हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ होने के बाद जब वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई जैसे हमें चाहिए थी, तो फोर्स किया एक बार अवनी को कि अवनी तुम जैसा लिखना चाहती हो, जो सोचती हो वो लिखो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। So she got down to writing, and when she wrote that, the first draft that came in front of me was absolutely fantastic. I mean, itna acha first time writer, I couldn't believe this. But thank you, I had that confidence that I knew it ke somewhere ki ye hi likh payegi wo cheez, aur bahut khoobsurat aur shandar likha hai. फिल्म देखिएगा, लोगों को भेजिएगा, तब पता चलेगा कि मैं कौन से फ्रेशनेस की बात कर रहा हूँ और हाउ आई एम ट्राइंग टू गिव द न्यू मूड ऑफ सिनेमा इंडस्ट्री। राइट, एंड देन आई आल्सो हैव टू मेंशन आवर राइटर त्रिपुरारी शर्मा, इन्होंने पूरी फिल्म को उर्दू जो लहजा फिल्म के अंदर है वो देने का जिम्मेदारी पूरा इन्होंने लिया अपने सर पे, एंड ही जॉइंड आवर टीम, एंड देन दैट्स हाउ इट बिकेम द फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। थैंक यू त्रिपुरारी, बहुत बहुत खुशी हुई कि आपने उर्दू की क्रेडिट दी, वरना कोई क्रेडिट देता नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल दूसरा ये है कि क्या आप इस फिल्म में अवनी मोदी ही बनी हैं? जी सर। मतलब आपने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं या फिक्शनल अवनी मोदी बनी? फिक्शनल अवनी मोदी है, बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, द कंट्रोवर्सी व्हिच हैपेंड टू जी अवनी मोदी। थैंक यू सर। मेरा सवाल पितुबाश और विक्रम जी से। अच्छा सर, इस फिल्म में पेड प्रमोशन के साथ आप लोगों को देखा गया, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन के बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को। पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ी, पढ़नी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग बैठे, डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद हमने पहले फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद डायरेक्टर और अवनी के साथ बैठ के हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे, और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, ये किसी तरीके से फिल्म इम्बैलेंस तो नहीं है, जिस चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है
हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली प्रीतुभा शाह मैंने हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर पीतो। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलोंग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे एक डिफरेंस जो मुझे याद है, हमने सोचा था कि ये बहुत पुराने टेररिस्ट हैं जो कि आप फिल्म में देखेंगे कसाब को आइडल मानते हैं अपना तो, और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता था पर पर्सन, अब वो मुआवजा बढ़ के 10 लाख रुपए हो गया। तो हमने ऐसी ऐसी डिटेल्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीज़ें डाली, एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी। पितु मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेलिंग डिटेल में करना पड़ता है वो है कि डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं। तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो कुछवाड़ा से हैं, तो मैं पूरा स्क्रिप्ट लेके उनके साथ एवरी डायलॉग उनसे बुलवा के उसको रिकॉर्ड करके सुन के, कि क्योंकि एक तो होता है कि ज्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं, कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है कोई कुछ है, तो उसको कैरिकेचर करते हैं, बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उस पे जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का, तो दैट वी ट्राई टू आई मीन लाइक उनके साथ काम करके मैंने ये किया। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब एडीजी ने फोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई सो दैट्स अ वेरी पावरफुल पर्सन, थैंक यू सो मच। सो देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट कमिंग फ्रॉम मोदी क्लैन, सो आई वांट टू नो व्हाट्स योर सीक्रेट सोर्स ऑफ क्लैन। या आई थिंक ये जीन्स में है मैम, है ना, मोदी सरनेम के साथ ही वो पावर, वो टैलेंट, वो आ जाता है। तो आई थिंक एज यू आर फीमेल, आई डोंट नो इफ यू आर सिंगल और नॉट, बट इफ यू आर देन फाइंड सम गाय विद अ मोदी सरनेम, गुगली नहीं है मैम, सच है, सच है, मोदी जी की बेटी हूँ और ये मोदी जी की बेटियों के बारे में है ये फिल्म, गुगली नहीं। ओके, बट जो आउटसाइडर उसको अगर पता नहीं होगा पीएम जी के बारे में, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा गुगली नहीं खा जाएगा। ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिनको मोदी जी के बारे में नहीं पता है, अगर है तो आप हिंदुस्तानी छोड़ दीजिए मैडम, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है। तो ये बात सबको, मतलब जिन मोदी जी की हम बात करें उनके बारे में सबको पता है, और अब फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है तो गुगली तो कहीं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बाहर निकालो उसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, एंड यू नो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स